हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज तक आपने मेरी मिल्क पाउडर से मिठाइयाँ तो बहुत देखी हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुत कमाल की बात है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद रहता है और उसे बच्चे बहुत खाना पसंद करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मिल्क पाउडर से आप बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी आइसक्रीम भी बना सकते हैं। अगर इस आइसक्रीम को आपने एक बार बनाकर खा लिया तो आपके बच्चे बाहर से आइसक्रीम लाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने पैन में एक गिलास पानी डाल के रख, अब मैं आपको बताती हूँ आपको मिल्क पाउडर की किस तरह और कैसे आइसक्रीम बनानी है, जो बहुत ही यम्मी और बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। तो सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी ले लिया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितनी आइसक्रीम जमानी है और कितने मेंबर्स के लिए बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वनीला फ्लेवर लिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब मैं अपनी गैस को बंद कर लूंगी और हल्का सा इसे इस तरह घुमा दूंगी। और अब आपको अपने पानी में ऐड करना है मिल्क पाउडर। देखिए, मैंने 1 स्पून मिल्क पाउडर ले लिया है, ये बड़ा चम्मच है। और धीरे धीरे आप इसे डालते जाना और इस तरह घुमाते रहना, ये बिल्कुल दूध में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अब मैं इसे बॉईल कर लूंगी और इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार चीनी। चीनी भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर ज्यादा मीठा पीना पसंद करते हो तो आप ज्यादा डाल लीजिएगा, वरना लिमिट की इसमें चीनी डाल लीजिएगा। एक बड़ा चम्मच मैंने चीनी ले ली है, जब ज्यादा मीठी होती है तभी आइसक्रीम अच्छी और बढ़िया लगती है। और फ्रेंड्स, अब इसका फ्लेवर अच्छा बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है कस्टर्ड पाउडर। तो ये मैंने वनीला फ्लेवर लिया हुआ है, जो आपके पास अवेलेबल है वही ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक कटोरी लूंगी क्योंकि हमें एक खाली कटोरी लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें 1 से 2 चम्मच ये कस्टर्ड पाउडर लूंगी, ये मैंने छोटी चम्मच ली हुई है, आप इसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसमें आप चाहो तो दूध भी मिला सकते हैं या फिर पानी भी मिला सकते हैं, मैं इसमें पानी का यूज कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने थोड़ा पानी मिला लिया है और अब मैं इसे अच्छे से हिला लूंगी ताकि जो इसमें लम्स हैं वो बिल्कुल ना रहे। अगर आपके कस्टर्ड में लम्स रह जाते हैं तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। हमारा जो मिल्क पाउडर का दूध है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल व्हाइट कलर का और बहुत ही गाढ़ा। फ्रेंड्स, आप इसे अगर ज्यादा गाढ़ा बनाना चाहो तो इसमें मिल्क पाउडर हाफ चम्मच और भी मिला सकते हो, उससे आपकी आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी, क्योंकि जितना आप दूध को गाढ़ा रखोगे उतनी ही आइसक्रीम अच्छी बनती है। धीरे धीरे जब आप इस कस्टर्ड को डालोगे तब भी आपका दूध गाढ़ा होगा, तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपको अपना मिल्क पाउडर कितना मिलाना है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको इसे किस तरह और कैसे मिलाना है। तो देखिए, मैं इसे थोड़ा सा मिलाऊंगी और इसे हिलाती रहूंगी। जैसे जैसे आप इसमें कस्टर्ड मिलाओगे आपका दूध बिल्कुल रबड़ी जैसा हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल रबड़ी वाला फ्लेवर आ चुका है इसमें। तो बस आपको इसी कंडीशन में इसे लाकर छोड़ देना है और ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसी प्रकार मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी इसकी आपको आइसक्रीम नहीं जमानी है। जब यह ठंडा हो जाएगा तब आपको इसे अपने आइसक्रीम बाउल में डाल दीजिएगा या फिर कटोरियों में भी आप इसे जमा सकते हो। मैं इसे बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं इस तरह की एक आइसक्रीम, देखिए मैंने इस प्रकार का एक आइसक्रीम का डिब्बा ले लिया है। अगर आपके पास हो तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे कटोरियों में भी बना सकते हो, कटोरियों में भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं लूँगी, अब हमें इसमें इसका अच्छा सा और फ्लेवर बनाने के लिए इसमें डालनी है चेरी। आप चाहो तो इसमें काजू बादाम भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ चेरी डाल रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने टूटी फ्रूटी ले रखी है, ये मैंने इसमें टूटी फ्रूटी डाल दी है, इससे अब आपके आइसक्रीम का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा लुक आएगा और ये खाने में भी बच्चों को काफ़ी अच्छी लगती है टूटी फ्रूटी। ये मेरे पास 2 कलर की है, ग्रीन भी है, ये थोड़ी बहुत मैं ग्रीन भी डाल देती हूँ इसमें 1 स्पून। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसमें ग्रीन और रेड कलर की चेरी डाल दी है। जब ये चेरी बीच बीच में हमारे इसमें आइसक्रीम आती है तो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को चेरी बहुत पसंद रहती है। तो अब मैं इसे इन क्यूब्स में डाल के रख दूँगी, यह रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, आपको लिमिट का ही इसे निभाया करना है। तो धीरे धीरे मैं अपनी क्यूब्स में इसे डाल दूँगी। तो देखिए, मैंने इसे इस प्रकार, अब बाकी जो बचा हुआ उसे आप कटोरी में डाल के रख सकते हो। तो मैंने इसे एक उसमें डाल लिया है और अब हम लेंगे इस प्रकार का पेपर, जिससे कि आपकी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी जमेगी और इसमें जो आपको डंडे लगाने हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगजिक लगानी है, वो अच्छे से जम जाएंगी। तो देखिए, मैंने प्लास्टिक का ये पेपर ले लिया था और अब आपको लेनी है वेस्टिक, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो इसमें
प्लास्टिक में इसके साथ वे भी आते हैं, वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप स्टिक लगाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं इस प्रकार अपने स्टिक को इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसे फ्रिज में कवर करके रख लेती हूँ। आप इसे 2 या 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख लीजिएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी आइसक्रीम कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी। फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम ठेले वाले से भी अच्छी बनी हुई है। अगर आपने इस आइसक्रीम को बच्चों को एक बार बनाकर खिला दिया तो बच्चे बाहर से आइसक्रीम खाना बिल्कुल भूल जाएंगे और घर पर ही इस प्रकार की आइसक्रीम बनवाएंगे और खाएंगे, क्योंकि इसमें जो चेरी का और उसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आया हुआ है और कस्टर्ड की यह आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप इस आइसक्रीम को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।